पूरे बिहार में आज सातवें दिन भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल जारी है। एक तरफ जहां जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही और यही कारण है कि आज सात दिन होने के बावजूद हड़ताल जारी है। इन सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है बिहार की गरीब जनता, वो जनता जिनके पास प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। इन सब के बीच आज स्वास्थ्य मंत्री ने जूनियर डॉक्टरों से बात कर हड़ताल समाप्त करने की अपील की है, लेकिन इन डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक हड़ताल समाप्त नहीं होगा। मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि वो हड़ताल तोड़ के वापस आ जाएं। जनता का कल्याण बड़ा है, जनता को कष्ट हो ये कतई उचित नहीं है। उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पे सरकार विचार करके जो भी संभव होगा उनके लिए अच्छा करेगी, लेकिन जनहित सर्वोपरि है और वो काम पर वापस लौटें, ये मैं बार बार उनसे अपील कर रहा हूँ। आपको बता दें कि स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर बिहार के सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अगर जल्द ही सरकार इनकी मांगों को पूरी नहीं करती है तो सरकार की परेशानी और बढ़ सकती है। पटना सिटी से आनंद कुमार की रिपोर्ट। सातवां दिन है, स्टाइपेंड को लेकर आप लोग हंगामा कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार आपकी आवाज़ों को क्यों नहीं सुन पा रही है? ये तो सरकार से ही पूछना चाहिए ना कि आपको मांग क्यों नहीं सुन रहे। हम लोग तो शांतिपूर्वक अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो ये तो सरकार ही बताएगी क्यों नहीं सुनी। अब तो सरकार को अपने मरीजों की नहीं पड़ी हुई, जनता की नहीं। देखिए, हड़ताल से तो आम पब्लिक ही इफेक्टेड होते हैं। जो पैसा वाले हैं वो तो प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो सरकारी अस्पताल के भरोसे ही हैं वो लोग इफेक्टिव होते हैं। तो हम लोग का तो मांग सीधा है और सही है कि एक साल से जो हमारा मांग पेंडिंग है उसको किया जाए। अगर सरकार को, अगर ये सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए था क्यों नहीं ले रही। हम लोग तो अपना स्टैंड क्लियर है कि हम लोग का मांग बढ़ाया जाए, पैसा बढ़ाया जाए। क्या लगता है स्वास्थ्य मंत्री से आप लोग बात किए, क्या आश्वासन दिए? लगता तो है कि वो बढ़ा देंगे, लेकिन वो सिर्फ बोल रहे हैं। बोलने, वर्बल और रिटर्न में बहुत ही फर्क होता है। वर्बल के बोलने से नहीं होगा, है ना। हम लोग रिटर्न का मांग कर रहे हैं, देखिए जब तक मिल जाए, या फिर कुछ भी रिटर्न मिलना चाहिए कि हम लोग की, या फिर मान लीजिए पैसा हम अभी नहीं चाहते हैं, अगर सरकार के पास थोड़े दिन बाद ही पैसा मिले ठीक है, लेकिन हम लोग को रिटर्न होना चाहिए कि आज से आप लोग का ये इंक्रीमेंट हो गया और इतने डेट से हो गया, फिर फर्दर हम लोग बाद में ही पैसा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग का मांग पूरा होना चाहिए वो भी रिटर्न में। अपना पर्चा रामचंद्र कुमार, JDU प्रेसिडेंट, NMCS। निहाल नमकीन पकौड़ी, स्वाद का बादशाह। कुरकुरे और खास्ते पकौड़ी मात्र 5 रुपए में बदले अपने मुंह का जायका। बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर किसी की पहली पसंद निहाल नमकीन पकौड़ी। नकलचों से सावधान, पैकेट पर बना शंख का फोटो देखकर ही खरीदे। NBC 24, सच की ताकत।